इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ अनन्या वेदी। खबरें दिखाएंगे आपको सुपर फास्ट अंदाज में। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ आज पीएम मोदी बातचीत करेंगे। सर्टिफिकेट के साथ मिलेंगे 1,00,000 रुपए। पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र दिया। बाल पुरस्कार विजेताओं से पीएम का संवाद। दिल्ली में आज भी होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर मंथन जारी। गठबंधन दलों को दिए जाने वाली सीटों पर भी होगा मंथन। सपा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। कैराना में डोर टू डोर प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन का आरोप। कैंपेन के दौरान बड़ी संख्या भीड़भाड़ के साथ प्रचार का आरोप। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा लाखों पलायन इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या। समाज और प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में अधूरे काम को पूरा किया। प्रदेश की सरकार सिर्फ चुनाव को भुनाने में लगी है। बसपा सरकार में अधूरे काम को पूरा किया। संबित पात्रा ने कहा कि चुनाव आते ही सभी पार्टियों का सियासी जंग जोरों पर है। साथ ही चुनाव की तारीख नजदीक आते ही शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश पर संबित पात्रा का तंज। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत की है कि कैराना में डोर टू डोर कैंपेन में अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़े हैं। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उन्होंने कहा कि अखिलेश पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। अखिलेश ने आतंकियों को छुड़वाने की गुहार की है। अखिलेश प्रतापगंज इलाके में 4 कारोबारियों यहां छापेमारी खत्म। आईटी की टीम छापेमारी करके निकली। कई अहम दस्तावेज लेकर गई अपने साथ। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार बयानबाजी जोरों पर है। अलीगढ़ के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे टिकैत गुट के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मौजूदा सरकार पर जमकर प्रहार किया। कानपुर में डीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएम ने दिया नेताओं को अल्टीमेटम। चुनाव प्रचार में लगे नेताओं को अल्टीमेटम। चुनाव प्रचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। हरदोई के संडीला विधानसभा से बीजेपी से टिकट पाकर पहली बार अतरौली पहुंची बीजेपी प्रत्याशी अलका अर्कवंशी ने अतरौली चौराहे और बाजार में बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ रैली निकाली। गाजियाबाद में लोनी नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन रंजीता धामा ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर संगीन आरोप लगाया। विधायक पर पर्चा रद्द करवाने की साजिश का आरोप। वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक और वर्तमान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर टक्कर दे सकते हैं। बांदा में मुख्तार अंसारी के बेटे ने लगाया गंभीर आरोप। सुरक्षा में हो रही भारी चूक। जेल के अंदर रचा जा रहा हत्या का षड्यंत्र। जेल प्रशासन पुलिस व जिलाधिकारी भी षड्यंत्र में शामिल। गोंडा में डीएम की खाद्यान्न कालाबाजारी में लिप्त कोटेदार पर कार्रवाई। 2 कोटेदारों पर खाद्यान्न कालाबाजारी में फंसने पर डीएम के आदेश पर FIR। लखनऊ में विधानसभा के सामने परेड निकाली गई। 26 जनवरी की तैयारी को लेकर रिहर्सल किया गया। तमाम स्कूली बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड को लेकर बच्चों में दिखा जोश। बिजनौर में कार चालक का पिस्टल निकालने का वीडियो वायरल। कार से युवक पर आए कीचड़ पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। पीड़ित ने थाने में दी कार चालक के खिलाफ तहरीर। लखनऊ में युवक को बुरी तरह पीटने का मामला। पुलिस चौकी के सामने युवक की कर दी पिटाई। चाकूबाजी और मारपीट में हुआ कई घायल। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
आगरा में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, रेगुलेटर बदलते समय हुआ हादसा। भोजीपुरा में सिलेंडर फटने से 3 घायल, धमाके से मकान भी ध्वस्त हुआ। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, कार ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। बिजनौर में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे बाइक सवार युवक बाइक सहित नीचे घुस गया। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को ट्रक के नीचे से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशीनगर में युवक की हत्या से सनसनी, गला कसकर की गई हत्या, गले पर रस्सी से कसने के निशान। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी पडरौना कोतवाली के खिरिया टोला की घटना। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, ट्रक के पहिए में 1 घंटे फंसा रहा बाइक सवार युवक, राहगीर की घंटों मशक्कत के बाद जिंदा निकला बाइक सवार। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के दिल्ली पौड़ी हाईवे की मार्की घटना। कौशाम्बी में हाईवे पर एक कार बनी आग का गोला, आग लगने से मच गया हड़कंप। कार में 2 लोग सवार थे, दोनों लोगों ने कूद कर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट के चलते कार में लगी थी आग। देवरिया बनकटा थाना क्षेत्र के सोहनपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष यादव पर लाठी डंडों से हमला किया और उनके दरवाजे पर गमलों को उजाड़ते हुए दबंग नजर आए। काशीपुर में बीजेपी के असंतोष थमने का नाम नहीं। बीते दिनों काशीपुर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर बगावत सामने आई थी। काशीपुर से बीजेपी के विधायक प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा, असंतोष सभी पार्टियों में नजर आता है। बहराइच में बारिश से जिले में बढ़ी कड़ाके की ठंड, बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को फायदा, वहीं अन्य फसलों को नुकसान होगा। भारी बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हुआ। पौड़ी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना पूर्व प्रत्याशी तारा। कांग्रेस प्रत्याशी नवल का मानना है कि बीजेपी को बैकफुट में लाकर चुनावी जीत निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। आम आदमी पार्टी नव परिवर्तन संवाद का चौथा दिन, श्रृंखला में उत्तराखंड की लाइफलाइन चालक परिचालक भाइयों के साथ कर्नल अजय कोठियाल संवाद करेंगे। कोठियाल 7 दिन तक करेंगे नव परिवर्तन संवाद। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। आंगनबाड़ी केंद्रों और 12वीं तक के स्कूल भी 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। बर्फ की सफेद चादर में ढकी देवभूमि मसूरी, नैनीताल में बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे, तो वहीं बर्फबारी से लोगों को हो रही है परेशानी। देश में पिछले 24 घंटे में 3,06,064 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, वहीं इस दौरान 2,43,000 लोग ठीक हुए हैं जबकि 439 लोगों की मौत हुई है। देशभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 10,000 के पार हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 40,805 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 416 मामले हो गए हैं। इस दौरान लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। बिहार में कोरोना का मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,768 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 16,740 नए केस सामने आए हैं और 16 संक्रमितों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,580 मामले सामने आए हैं और 40 संक्रमितों की मौत हो गई है। केरल में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,449 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 50,210 नए मामले सामने आए हैं, 19 लोगों की मौत, 18,115 मरीज हुए रिकवर।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 केस सामने आए हैं। एक दिन में 34 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 7,516 नए केस, 12 मरीज की मौत। एक दिन में 7,683 मरीज रिकवर भी हुए हैं। हरियाणा में 7,516 नए केस, 12 की मौत। साउथ अफ्रीका में खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भी भारत को 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया। टेस्ट सीरीज के बाद भारत को वनडे सीरीज में भी टीम का हार का सामना करना पड़ा। 3 वनडे मैचों की सीरीज में कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने माना कि टीम ने गलती की है। कप्तान ने बताई टीम इंडिया की कमजोरी।